अच्छा आ, आ, दोनों ने शेयर किए एक्सपीरियंसेस काफी लर्निंग कन्वर्सेशन uh, था आज तो आपका का... वीडियो नहीं चल रहा है मैडम सर एक मिनट में चेक करती हूँ थोड़ा तो बधाई दे दीजिए बात के बाद सरोज जी को बधाई दे दीजिए जी बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस बहुत, सरोज जी आपको आ, आपके प्रमोशन के लिए आई होप ऐसे ही आप खूब सारे सक्सेस पाए अपनी लाइफ में और ऐसे खूब आगे बढ़े और हमारे साथ जुड़े रहें थैंक यू वेरी मच फ्रॉम थैंक यू वेरी मच तो from, आ, हर मैडम आप स्थिति ताजा करके आप सेशन जारी कर सकते हैं फिर हम लोग पार्टी लेने आएंगे दिल्ली सरोज मैडम से पार्टी लेंगे या तो उनको बुलाएंगे भोपाल है ना सक्सेस मीटअप होगा ना तो वो आएंगे डन सर डन वेरी डन स्क्रीन साझा कर सकते हैं हर्षिता जी, जी और कंटिन्यू आप आप करेंगे ओके okay. फिर मैं मिलता हूँ आपको रात वाले सेशन में मिलूंगा हर्षिता मैडम के बाद सेशन होगा फिर उसमें मैं आपसे मिलूंगा थैंक यू सो मच गुड इवनिंग एवरीवन आई होप आप सभी को जो स्क्रीन है मेरी विजिबल होगी तो अब और देरी ना करते हुए फटाफट आज का जो सेशन है हम लोग आ, स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है और पीपीटी विजिबल है तो प्लीज द थम्स अप इन द चैट रूम जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज का जो सेशन है आ, ये करंट अफेयर्स पे है जो मार्च सेशन है काफी इंटरक्टिव सेशन रहेगा और आई uh, होप आप सभी को काफी लर्निंग मिलेगी और, uh, और आप सभी लोग आंसर देंगे तो एक ये बहुत अच्छा एक पार्टिसिपेटिव और लर्निंग हमारा सेशन रहेगा <laughs> सर जी ये आपका जूम ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है अपडेट नहीं है लग रहा है ना कुछ दिक्कत आ दिक्ष्ट रहा है अपडेटेड है सर बट चल नहीं रहा है मतलब थोड़ा सा ये अभी तक टेस्ट करके इतनी देर से आई वॉज सिटिंग जी ये पता नहीं क्यों है एकदम से तो वीडियो भी ऑन नहीं हो रहा है यानी तो उसका जो अपडेट करना होता है ना इसको जूम को ऐसे वाला वो मांग अपडेटेड है अपडेटेड है सर अपडेटेड है कि कभी कभी

और मेरा वीडियो इज नॉट वर्किंग तो आई विल नॉट शेयर माई वीडियो अगेन इन दिस सेशन बट आई होप स्क्रीन इज विजिबल तो हम आज का सेशन जो है चालू करते हैं uh, आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज uh, एक बार चैट में मुझे बता दीजिए और सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन ठीक है अमित जी ने यस बोल दिया है चलिए आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पर uh, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपके हिसाब से आपको लगता है सही है और फिर हम लोग जो है सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन जो है कह रहा है विच डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप इन पुणे कौन से बैंक ने उसका फर्स्ट ऐसा ब्रांच जो है इनोग्रेट किया है जो सिर्फ स्टार्टअप के लिए है जो सिर्फ सिर्फ पुणे में किया है है के लिए अमित जी कह रहे हैं बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शंस है हमारे स्टेट ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक अभी तक सभी साथी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो होना चाहिए बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ठीक है और बाकी जो साथी है उनका क्या कहना है फटाफट फ़ड़ चैट में बता दीजिए ठीक है लोकेश कुमार जी भी कह रहे हैं बी और और बाकी लोगों को क्या लगता है क्योंकि बड़ा ही आसान क्वेश्चन हम लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जरूर हम लोग बता सकते हैं क्योंकि पुणे की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ऐसा बैंक की बात कर रहे हैं जो कि अ पुणे में स्टार्टअप उसने किया है तो यहाँ पर जी हाँ बी इज द करेक्ट आंसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये सही जवाब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा ऐसा ब्रांच इनोग्रेट किया है जो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही डेडिकेटेड है वो सिर्फ स्टार्टअप्स की जो भी रिलेटेड बैंकिंग है उसमें डील करेगा वेरी वेल डन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये भी आपके लिए रिलेटिवली आसान क्वेश्चन होगा आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है आ, कौन से डे में ऑब्जर्व हुआ था व्हेन When... ऑप्शन है फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट मार्च फर्स्ट मई एंड जून ठीक है सभी लोग कह रहे हैं फर्स्ट अप्रैल बिल्कुल आप लोगों का सभी का सही जवाब है फर्स्ट अप्रैल को आ, बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था और आ, रिजर्व बैंक एक्ट के अकॉर्डिस्ली ये जो है सेटअप हुआ था द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आर बी आई इनिशियली जो है कलकाता में हुआ था जो की परमानेंटली फिर नाइनटीन थर्टी सेवन में मुंबई में मूव हो गया था और सर ऑस्बॉन स्मिथ ने द फर्स्ट गवर्नर राजेश प्लीज डोंट क्लिक एनीथिंग ऑन द स्क्रीन आफ सर इसी रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट क्लिक एनी थिंग ऑन द स्क्रीन अदरवाइज आप लोग और जो है इट विल क्रिएट मोर हिंड्रेंस टू आर सेशन नाउ आई हैव टू शेयर दीपी टी अगेन सो so प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है ऐसा मत कीजिए सो दैट जो सेशन है ये कंफर्टेबली uh, हम लोग uh, आगे बढ़ा पाए चलिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फर्स्ट अप्रैल वाज़ द राइट आंसर एस्टेब्लिश हुआ था एक अप्रैल को अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो फोर टीयर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ यूसी वाज़ रिलीज्ड बाय ये जो फोर्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाई गई है इसको किसने रिलीज किया था ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया निखिल जी अमित जी कह रहे हैं बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है मनोज जी का भी यही कहना है जमील जी कह रहे हैं ए बाकी सभी साथी कह रहे हैं यहाँ पर बी जो है सही आंसर होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड बी द राइट आंसर ठीक है जी गौरव उपाध्याय जी कह रहे हैं कि चलिए आप लोग बी कह रहे हैं तो बी को ताला लगाते हैं लेट्स सी बी आरबीआई है उसी ने ही फोर्थ ईयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला है यूसी के लिए और इट हैड आल्सो अनाउंस्ड नॉर्म्स कंसर्निंग द नेटवर्थ एंड कैपिटल जो जो भी यूसीबी बैंक है उन उनके लिए नॉर्म्स भी निकाले हैं जो उनके नेटवर्थ और उनके कैपिटल की एजुकेसी को गाइड करेंगे उनसे रिलेटेड नॉर्म्स भी निकाले हैं आरबीआई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट व्हाट इज हु हैज़ रिलीज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म ओवीपीस टू स्टीम स्टीम लाइन किसने जो है एक रेगुलेटरी रिलीज की है Uh, एक फ्रेमवर्क रेगुलेटरी चालू किया है ओबीपीएस के लिए ताकि उनके जो ऑपरेशंस है उनको स्ट्रीमलाइन या या फिर उसको प्रॉपर uh, कर, कर करने के लिए किसने रिलीज uh, किया है ऐसी रेगुलेटरी बी कह रहे हैं से बी ठीक है ये भी uh, यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं मनीष जी जमनु जी कह रहे हैं यहाँ पर बी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर सभी का एक मत से कहना है बी तो लेट्स गो विथ बी बी को लगा देते हैं ताला तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल सही जवाब फुल मार्क्स सेबी ने ही ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए हैं जो कि ऑनलाइन बॉन्ड जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं उनके ऑपरेशंस को गाइड कर, कर सके स्ट्रीमलाइन कर सके वेरी वेल डन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन सा जो बैंक है ऑफर्स इकोसिस्टम बैंकिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स? अब आपको बताना है ऐसा कौन सा बैंक है जो इको बैंकिंग ऑफर करता है इंडियन स्टार्टअप्स है उनके लिए ऑप्शन है एच डी एफ सी बी एक्सिस बैंक सीआईसीआईसी आई बैंक एंड डी इज यस बैंक तो ये चारों ही प्राइवेट बैंक है हमारे और अभी कुछ साथी कह रहे हैं ए एच डी एफ सी बैंक ने स्टार्ट किया है और एक आधा आंसर शायद मैंने बी भी देखा था ठीक है तुनेश्वर जी अशोक जी कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक ने किया है और uh, बाकी सारे साथी कह रहे हैं कि ए ने किया है अशोक जी कह रहे हैं ए और गौरव उपाध्याय जी का भी कहना है कि ए ने uh, किया है चलिए और कोई है जो बी या सी के साथ जाना चाहता है तो बता सकते हैं ऐसा और कोई साथी है जो दूसरे ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं अदरवाइज फिर हम लोग जो है मेजोरिटी ए कह रहे हैं तो हम लोग ए के साथ जाना चाहेंगे चलिए बी और ए ही हमारे पास आंसर्स हैं यहाँ पर ना ए ना बी यहाँ पर सी जो है इज द राइट आंसर आईसीआईसी बैंक ने अनाउंस किया है कि वो एक कॉम्प्रेहेंसिव बुके बनाएगा जिसमें डिजिटल और डिजिटल और फिजिकल सॉल्यूशंस रहेंगे जो कि बैंकिंग नीड uh, है जो भी स्टार्टअप की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे उसको पूरा करेगा एज अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग द बैंक हैज पुट इन प्लेस उनका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग है उसके अंडर उन्होंने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जो कि स्टार्टअप को ही सर्व करेगी और एक एक्सटेंसिव ब्रांचेस है जो इंडियन स्टार्टअप के लिए ही उनको हेल्प करेगी तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है इज द राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वॉज ऑर्गेनाइज इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप यानी कि ऑन अ बोट या ऑन अ रिवर ठीक है आईपीपीबी सभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ठीक है सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ठीक है और ऐसा कोई और है जो कि किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहता है तो वो भी बता सकते हैं अभी तक सभी लोगों का कहना है कि ए जो है ऑप्शन विच इज इंडियन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स आईपीपीबी शुड बी द राइट आंसर चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने कहा आई जो है उसने ही आ, फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल कैंप बनाया था एक सेकेंड मुझे दीजिएगा मेरा स्क्रीन जो है पॉज हो गया है आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा sorry for all the technical uh, uh, issues चलिए आई होप अब दिख रहा होगा uh, मैं मुझे शायद zoom वापस से uh, अपडेट करने की नीड है एनी वेज अब आप लोगों को दिख रहा होगा इंडिया ने फर्स्ट इंडिया आईपीपीवी ने पहला ऐसा फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप बनाया था निवेशक दीदी को प्रमोट करने के लिए ताकि जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में में वो जो में है, जो है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर पाए तो ये इसका उद्देश्य था आई पी पी आई पी पी बी ने ये जो है लॉन्च किया था चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट कौन सी विच इंडियन बैंक हैज बीन अवार्डेड आईएफआर एफ एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर ऐसा कौन सा जो बैंक है अभी भी आप लोगों को स्क्रीन इशू है तो प्लीज लेट मी नो राहुल जी लिख रहे हैं कि उनको स्क्रीन प्रॉब्लम आ रहा है और कोई भी फेस कर रहा है तो प्लीज बताइएगा मुझे चैट में चलिए ठीक है ठीक है निखिल जी कह रहे हैं डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बताना है कि कौन सा ऐसा इंडियन बैंक है जो कि जिसको अवार्ड मिला है आई एफ आर से एशिया एशियन बैंक ऑफ द ईयर बना है बताया गया है डी कह रहे हैं यूनियन बैंक जमील जी जमील जी का कहना है कि बी एक्सिस बैंक राइट आंसर बाकी लोग कह रहे हैं कि डी आप लोगों को क्या लगता है फटाफट बता दीजिए चैट में हम लोग थर्टी सेकेंड रखते हैं कि आंसर के लिए सो so दैट Uh, सब लोग जो है फटाफट जवाब दें आज तो ऑप्शंस भी है जनरली हम लोग ओपन एंड क्वेश्चंस रखते हैं आप लोगों को ही जवाब देना पड़ता है विदाउट एनी ऑप्शन चलिए मनोज जी कह रहे हैं सी राजा राम जी कह रहे हैं डी चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मिक्सड आंसर्स हैं काफी बट यहाँ पर जो है बी जो है सही जवाब है एक्सिस बैंक जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसको अवार्ड दिया गया है एशियंस एशियन बैंक ऑफ द ईयर आई एफ आर की तरफ से उसके परफॉर्मेंस को जो भी उन्हें इक्विटी और डेट के केस में किया है उसको एक्नॉलेज करते हुए एक्सिस बैंक को ये जो है अवार्ड दिया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट आई होप दिस इज क्लियर विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डायरेक्शन ऑफ ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क माइक्रो फाइनेंस लोन कौन से जो इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है ये आप लोग ध्यान से बहुत इजी क्वेश्चन है आज के सेशन में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग यू ही जवाब दे देंगे जी हाँ ए कह दिया है अमित जी ने राहुल जी कह रहे हैं सी और चंदन जी कह रहे हैं बी ठीक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन ऐसा ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है डायरेक्शन इसके प्रति तो यहाँ पर बी आंसर जो आ रहा है हमारे पास ए भी है बी है और एक आंसर शायद सी भी था मनोज जी कह रहे हैं सी मनीष जी कह रहे हैं बी अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं ए आरबीआई यादव एन के यादव जी कह रहे हैं बी सीट बी तो काफी हैं चैट में चलिए थोड़ी सी दुविधा है इस क्वेश्चन को से दूर भगाते हैं यहाँ पर जो है आरबीआई ने ये रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन निकाले हैं अः जहां पर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोन है वो कोलेट्रल फ्री रहेंगे और सिक्योर्ड नॉट सिक्योर्ड बाय लीन ऑन द बोरोस डिपॉजिट अकाउंट तो ये रेगुले ये जो रेगुलेशन है इंस्ट्रक्शन है ये आरबीआई द्वारा निकाले गए हैं यहाँ पर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को कैप किया गया है और इंटरेस्ट रेट को यूसूरियस रखा गया है एंड देयर दैट देयर इज नो प्रीपेमेंट पेमेंट पेनाल्टी तो ताकि कोई प्रीपेमेंट प्रीपेमेंट पेनाल्टी ना रहे तो ध्यान रखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पूछ रहे हो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रेगुलेशन किसने रिलीज किए हैं तो आंसर जो है वो है आरबीआई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच बैंक हैज लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम टू फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि वो ग्रीन इनिशिएटिव्स को फाइनेंस कर पाए ह्यूजडीएफसी है एचएसबीसी है एसबीआई है एनआईसीआईसीआई है तो यहाँ पर क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं पर कुछ जो प्राइवेट रिलेटेड हैं कुछ में नेशनलाइज बैंक की स्कीम्स हैं ये सारे मार्च 23 के अपडेटेड सेशन है तो आप लोग ये मत सोचिए कि, कि क्योंकि एक नेशनलाइज बैंक दिया है तो वही सही आंसर होगा अदरवाइज इट कुड बी अ प्राइवेट बैंक ऑल्सो तो अभी जैसे मैं देख रही हूँ सभी लोग कह रहे हैं कि सी इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी सी के साथ जा रहे हैं कि सी ने लॉन्च किया होगा ग्रीन डिपोजिट प्रोग्राम तो जब सब सी के साथ जा रहे हैं तो मैं भी सी के साथ जाती हूँ लगाती हूँ सी को ताला यहाँ पर देख लेते हैं सी नहीं यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक है एच इंडिया जिसने लॉन्च किया है ग्रीन डिपोजिट प्रोग्राम क्यों क्योंकि वो ग्रीन इनिशिएटिव्स जैसे कि रिन्यूब रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना चाहता है इस अंदर इस न्यू इनिशिएटिव में बैंक जो है उसके कारपोरेट क्लाइंट्स को कहेगा कि आप मनी डिपॉजिट कीजिए और विल इन टर्न फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल करा जाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स को जहां पर वो इनडायरेक्टली जो कॉर्पोरेट क्लाइंट से पार्टिसिपेट करेंगे एक सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में तो यहाँ पर जो है आ, एच एस बी सी बैंक जो है इसने ये इनिशिएटिव चालू किया है चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल हु हैज इंप्लीमेंटेड इंटरचेंज फीस फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक अप्रैल से किसने ऐसा इंप्लीमेंट करा है कि इंटरचेंज फीस लगेगी प्रीपेड पेमेंट करे जाएंगे Uh, कोई भी अगर मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है तो यहाँ पर जितेंद्र जी कह रहे हैं डी प्यारेला जी जी अमित जी राहुल जी अभिषेक जी अमित जी अमित सिंह जी एन के यादव जी सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पर डी जो कि एनपीसीआई है एनपीसीआई कह रहे हैं यहाँ पर डी शुड बी द राइट आंसर अः चलिए सभी लोग मेजोरिटी आर गोइंग विद डी तो लेट्स लॉक डी ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं डी जो है बिल्कुल सही जवाब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे एनपीसीआई भी कहते हैं उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट की है इंटरचेंज फीस किसके लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होती है जो फीस है वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से स्टार्ट uh, होगी और बेस्ड रहेगी मर्चेंट की कैटेगरी कोड पर और चार्ज uh, की जाएगी अगर जो उनका पेमेंट्स है यूपीआई पेमेंट दो हजार रुपए से ज्यादा होते हैं और ऑनलाइन पे किए जाते हैं टू ऑनलाइन मर्चेंट लार्ज मर्चेंट एंड स्मॉल ऑफलाइन मर्चेंट तो दो हजार रुपए से ज्यादा होगा तो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से जो भी मर्चेंट है उसके उसके कैटेगरी कोड पर निर्भर करेगा कि उसको कितना परसेंट जो जो है है वो ये फीस चार्ज होगी वेरी वेल डन सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल आ जाते हैं अगले प्रश्न पर द एन पी सी आई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो इंटरचेंज फीस लगाई है वो कितने परसेंट की अप टू व्हाट परसेंट लगाई है तो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से है बट कहाँ तक है तो सभी निखिल जी प्यारेलाल जी और अभिषेक जी कह रहे हैं बी जितेंद्र कुमार जी का भी कहना है बी सब कह रहे हैं 1 .1 जो है शुड बी द राइट आंसर सभी का कहना है यहाँ परसेंट शुड बी द राइट आंसर की एक अप टू वन पॉइंट वन परसेंट की फीस लगाई गई है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है वन पॉइंट वन परसेंट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर अपटू वन पॉइंट वन परसेंट Uh, जो है विल बी चार्ज्ड आ जाइए द नेक्स्ट क्वेश्चन विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय गवर्नर शक्ति कान दास ने जो अपनी हैदराबाद में कौन सी कौन सी मीटिंग कंक्लूड करी है कि कौन सी जो मीटिंग थी सेंट्रल बोर्ड uh, जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है जिसमें गवर्नर शक्ति जी थे उन्होंने अपनी कौन सी भी मीटिंग है छे सौ हुई मीटिंग छे सौ सिक्स हंड्रेड एंड फर्स्ट सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी फर्स्ट सेवन हंड्रेड ऐसी अमित जी का कहना है सी सिक्स फिफ्टी फर्स्ट अशोक जी कह रहे हैं बी सिक्स जीरो वन सॉरी सी तुनेश्वर जी कह रहे हैं बी ए आंसर आया है मनोज जी का राजा राम जी कह रहे हैं सी चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन uh, uh, हो सकता है हाँ शशिकांत होगा जी हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है एनीवेज आरबीआई के गवर्नर शशिकांत जी I, uh, इसको हम करेक्ट कर देंगे बिफोर अपलोडिंग इट थैंक यू फॉर फ्लैगिंग ठीक है चलिए यहाँ पर मिक्स आंसर्स हैं ए डी बी जो है मैं देख रही हूँ एक आंसर सी भी था बट यहाँ पर जो है बी जो है सही जवाब है सिक्स हंड्रेड एंड फर्स्ट मीटिंग करी थी हैदराबाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ आर ने इसमें जो है उन्होंने क्या उन्होंने एसेस uh, किया कि उनके करंट ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और उसके साथ साथ क्या क्या डिफिकल्टी वो वो लोग फेस हम लोग फेस कर रहे हैं इस बारे में चर्चा की गई सिक्स हंड्रेड एंड फर्स्ट छह सौ एक भी मीटिंग की गई चलिए यहाँ पर ये भी बहुत ही अः आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब देंगे पी ने जो अम्बर्स्टमैन एज है उसको 65 इयर्स से बढ़ाकर कितने साल कर दी है ए सेवेंटी फाइव बी एटी सी या डी एटी फाइव ठीक है अमित जी कह रहे हैं सी अस्सी साल कर दी है सॉरी सत्तर साल कर दी है से आ, एक आंसर आया ए कुछ साथी कह रहे हैं सी लाल जी कह रहे हैं ए सेवेंटी फाइव कर दी है ठीक है बाकी साथी कह रहे हैं निखिल जी कह रहे हैं अः सी गौरव जी कह रहे हैं सी और राहुल जी का भी कहना है सी सी जो है सेवेंटी है कुछ ऑप्शन हमारे पास ऐसे है क्लोज सेवेंटी फाइव एट्टी सेवेंटी एंड एट्टी फाइव तो यहाँ पर जो सही जवाब जो है ओ सही जवाब जो है वो है सी राजा राम जी एन के यादव जी तुनेश्वर जी आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर जो सी है इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पी एफ आर डी ए ने अम्बर्स्टमैन एज सिक्सटी फाइव से सेवेंटी इयर्स कर दी है जो एम्बर्स्टमैन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो भी ग्रीवेंसेज हैं कंप्लेन है पी एफ आर डी ए में जो भी आते हैं उनको रिसीव करें उनको इवेल्युएट करें और उसमें मदद करें तो इम्बर्स्टमैन जो है पहले सिक्सटी फाइव ईयर्स तक अब उसको सत्तर साल कर दिया गया है उसको बढ़ा दी गई है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया वेरी वेल डन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली क्रंच फिश ऑफलाइन रिटेल पेमेंट क्रंच फिश जो है एक स्वीडिश कंपनी है ऐसा कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली क्रंच फिश क्रंच फिश के साथ पार्टनर किया है ताकि वो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स को पे वर्क कर सके यहाँ पर फिर से हमारे पास प्राइवेट बैंक के ऑप्शन है आईसीआईसीआई है आईडीएफसी फर्स्ट है एच डी एफ सी एंड यस बैंक तो आपको बताना है कि कौन सा है लगता है आपको सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं अमित जी सॉरी एन के यादव जी यो के, लोकेश कुमार जी भी कह रहे हैं आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक तुमनेश्वर जी कह रहे हैं आईसीआईसी आई और अमित जी अशोक जी का कहना है सेकेंड ऑप्शन जो है सही होना चाहिए ठीक है अशोक जी का भी यही कहना है शायद बी कह रहे हैं राहुल जी तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या है यहाँ पे सेकंड इज द राइट आंसर आईडीएफसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसने क्रंच फिश से पार्टनर किया है एक स्वीडिश कंपनी है ताकि वो अपने ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स को ठीक कर सके आ, IDFC IDFC First Bank is to to be a part of RBI RBI pilot project to enable offline payments. उसको बेहतर किया जा सके तो यहाँ पर स्वीडिश कंपनी ने भी एक पार्ट लिया है जिसका नाम है क्रंच फिश तो आई डी एफ फर्स्ट बैंक ने और इन दोनों ने पार्टनर किया गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इन मार्च

ठीक है, वेरी वेल डन फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन इस बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं आ जाते हैं पर। ऐसी कौन सी कंपनी है जो पहली बनी है जो कि कहीं पर भी एनी वेयर कैशलेस कैशलेस फीचर को uh, बता सकती हाँ Lombard है यहाँ पर आईसीआईसी लोमबार्ड है इफ कोटो जनरल इंश्योरेंस कोटक महिंद्रा या फिर लिबर्टी तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो पहली बनी है यादव जी कह रहे हैं बी विकास जी कह रहे हैं फर्स्ट आंसर बी 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 ठीक है यहाँ पर बी ए और डी हमारे पास जवाब आ रहे हैं अशोक जी कह रहे हैं बी देश्वर जी का कहना है आईसीआईसी लौंगबार्ड चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है क्या होना चाहिए यहाँ पर जो सही जवाब है वो ए है आईसीआईसी लोम्बार्ड ने पहले पहली ऐसी कंपनी बनी है जो एनीवेयर कैशलेस फीचर ने लॉन्च किया है एक इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड किया जाएगा इसका नाम जो है एनीवेयर कैशलेस कहीं पर भी कैशलेस वो ले सकते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहली है ये India and Tanzania have received approval from Dash to utilize their respective national currencies in bilateral trade settlements. अपने दोनों की रेशी करंसी है उनको बायोलेट्रल ट्रेड में सेटलमेंट्स में इस्तेमाल कर सके तो यहाँ पर लोकेश जी कह रहे हैं आर ने ऐसा कहा अभिषेक आप में से किसी किसी का एक माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए थैंक यू तो यहां पर सी ए A... ए ऑप्शन आ रहा है इंडिया और तंजानिया को किसने अप्रूवल दिया है तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे दो बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात हो रही है तो अगर इन दोनों को बिजनेस करना है नेशनल करेंसीज की बात हो रही है तो जरूर आरबीआई से ही परमिशन लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर ए जो है हमारा सही जवाब है जैसे आप लोग आप में से साफ काफी लोगों ने बताया यहाँ पर आरबीआई ने अलाउ किया है इंडिया और तंजानिया दोनों को अपने अपने देश की नेशनल करेंसीज इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए और बायोलिट्रल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए अपनी अपनी खुद की करेंसीज जो है यूज कर सकते हैं वेरी वेल डन चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन से किसने इंट्रोड्यूस किया है रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई हु इंट्रोड्यूसेस रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई किसने इंट्रोड्यूस किया है एच डी एफ सी बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआईनेश्वर जी का कहना है बी बाकी कुछ साथ ही कह रहे हैं ए ठीक है अमित जी का कहना है ए अमित जी अमित कुमार जी कह रहे हैं ए अशोक जी कह रहे हैं ए जमिल जी कह रहे हैं सी चंदन जी कह रहे हैं बी सॉरी डी और राजा राम जी कह रहे हैं ए चलिए काफी सारे मिक्स मिक्स चांसेस है कुछ किसी को लग रहा है एच डी एफ सी हो सकता है कोई कह रहे हैं एस बी आई एक जवाब आया है कैनरा बैंक के लिए एक जवाब आया है बैंक ऑफ इंडिया के लिए किसी ने जवाब नहीं दिया तो यहाँ पर ए सी डी जो है हमारे पास ऑप्शन है बट हाँ यहाँ पर कैनरा बैंक जो है हमारा अपना बैंक उसने जो है ये क्रेडिट कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया है ताकि जो क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सके और एनपीसीआई के ऑपरेशन के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई यूजिंग द भीम ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो रीच है यूपीआई की बढ़ सके और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के प्रोडक्ट्स को ताकत मिल सके स्ट्रेंथ मिल सके इसलिए एनपीसीआई के साथ हाथ मिलाया और जो है रुपए क्रेडिट कार्ड चालू कर दिया कैनरा बैंक ने ये स्टेप चालू किया है आ जाते हैं विच प्राइवेट बैंक पार्टनर्स विद मुंबई इंडियन बैंकिंग पार्टनर क्योंकि आईपीएल का सीजन है तो एक आध क्वेश्चन तो आईपीएल का बनता ही है तो ऐसा कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने मुंबई इंडियंस के साथ पार्टनरशिप करी है और पहला उनका ऑफिशियल सॉरी उनका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है तो आई है यस बैंक एच डी एफ सी आईसीआईसीआई तो आप लोग कह रहे हैं बी कोई कह रहे हैं यस बैंक ने किया है कुछ का कहना है कि IDFC ने किया है अशोक जी कह रहे हैं यस बैंक और प्यारी लाल जी कह रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक कौन सी प्राइवेट बैंक ने मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बने हैं तो, तो ये जो डेटा है ये काफी काफी डिफरेंट जो करंट अफेयर्स हर डेली आते हैं उसमें से आई हैव गॉन थ्रू एंड गॉट दिस क्वेश्चन ये मार्च के सारे क्वेश्चन हैं तो आप भी जो है जो प्रिपरेशन है वैसे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको इतना इंटेंसिव रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे आप में से काफी सारे दोस्तों ने कहा आ, कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसने तीन ईयर तीन साल की पार्टनरशिप करी है मुंबई इंडियंस के साथ और उसका डेब्यू किया है क्रिकेट पार्टनरशिप में बिगिनिंग दिस सीजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विल बी द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ द टीम तो यहां पर ए इज द राइट आंसर वेरी वेल डन विच बैंक लॉन्च वॉट मिशन With the aim of विद एम ऑफ in the country a user of digital payments, तो ये जवाब तो आप लोग मुझे लगता है, यहां से तो से दे देंगे। कौन से बैंक ने जो है लॉन्च किया है ऐसा मिशन जो कि एम कर रहा है कि हर सिटीजन इस देश के हर सिटीजन को डिजिटल पेमेंट का हक होना चाहिए हर पेमेंट डिजिटल किसने लॉन्च किया है राजा राम जी कह रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक बाकी एस बी आई आर बी आई कैनरा बैंक और पी एन बी ये ऑप्शन है हमारे पास तो एस बी आई कह रहे हैं तुनेश्वर जी कह रहे हैं थ्री अमित जी कह रहे हैं टू ठीक है और अभिषेक जी कह रहे हैं वन गौरव जी का कहना है टू मिशन की बात कर रहे हैं जिसमें हर इंडियन सिटीजन को राइट टू डिजिटल पेमेंट होना चाहिए यूजर बनना चाहिए चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सही जवाब जो है आरबीआई ने लॉन्च किया है समिशन टू मेक एवरी सिटीजन ऑफ डिजिटल पेमेंट और uh, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक डी पी एडब्ल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो uh, यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक हैज अनाउंसड जो मिस्टर दास ने अनाउंस किया है कि ये हर पेमेंट हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन uh, चालू करेंगे और uh, एम कर रहे हैं कि हर सिटीजन जो है इस देश का वो डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करे चलिए यहाँ पर टू इज द करेक्ट आंसर चलिए विच बैंक साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन टू फेसिलिटेट कौन से बैंक ने साइन uh, किया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के साथ ताकि वो फार्मर्स को फैसिलिट uh, मतलब फाइनेंस कर सके फार्मर्स को तो पंजाब नेशनल बैंक के ऑप्शन एंड देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केनरा बैंक बैंक ऑफ इंडिया तो फटाफट फ़्ट बता दीजिए आप लोगों को क्या लगता है सही जवाब क्या है ठीक है यहाँ पर आ, हमारे पास अमित जी का जवाब है ए अशोक जी कह रहे हैं डी बैंक ऑफ इंडिया मनोज कुमार जी का कहना है ए और एक जवाब में देख पा रही हूं बी है और बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट फ़्ट बता दीजिए विच बैंक गौरव जी का भी कहना है ए होना चाहिए यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है उसने एमओ साइन किया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से ताकि वो फाइनेंस कर पाए यहाँ पर जो है जो हमारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा चालू की गई है आ, तो इन दोनों के बीच में ही एमओ साइन हुआ है ताकि फार्मर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करा, करा जा सके which insurance company has recently launched a guaranteed income plan pro uh, gold to provide protection of life cover along with a guaranteed regular income for the whole of life Uh, काफी इंटरेस्टिंग uh, है पढ़ने में कि ऐसा कौन सा लाइफ इंश्योरेंस है जिसने ऐसा प्लान लॉन्च किया है गारंटीड इनकम प्लान प्रू गोल्ड के नाम से जो कि लाइफ कवर तो प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता ही है उसके साथ साथ एक गारंटी रेगुलर इनकम भी देता है आपकी पूरी जिंदगी के लिए होल ऑफ योर लाइफ के लिए एक रेगुलर रेगुलर इनकम गारंटीड पे करता है प्रू गोल्ड uh, के नाम से चालू किया है निखिल जी प्रभाकर जी कह रहे हैं आईसीआईसीआई प्रभाकर जी का कहना है सी अमित कुमार जी कह रहे हैं टाटा एक और जवाब था जो कि फोर्थ कह रहा था अमित सिंह जी कह रहे हैं सी आई सी आई सी जी हाँ तो जैसे कि यहाँ पर प्रूव से हम लोग अगर आपको नहीं भी पता तो कुछ आंसर हम लोग क्वेश्चन से ढूंढ सकते हैं यहाँ पर प्रू गोल्ड की बात हो रही है आई आईसीआईसी ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पर जो है इससे हम लोग देख सकते हैं कि एक तरीके से आप गेस कर सकते हैं इफ यू डोंट नो द आंसर बट अदरवाइज नाउ यू हैव सीन दिस क्वेश्चन तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप जानते ही हैं यहाँ पर जो है आईसीआईसीआई ने ऐसा प्रूव गोल्ड करके एक स्कीम या एक ये चीज लॉन्च करी है जिससे आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा ही उसके साथ साथ लाइफ कवर के साथ साथ एक गारंटी रेगुलर इनकम मिलेगी फॉर होल ऑफ लाइफ जिससे आप लॉन्ग uh, टर्म अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं तो आईसीआईसीआई के गोल्ड uh, के अंडर ये uh, जो है फैसिलिटी है आरबीआई इम्पोस रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ मेनी कोऑपरेटिव बैंक रिसेंटली मार्च में आरबीआई ने कितने कोऑपरेटिव बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे तो uh, इसमें आप लोग गैस कर सकते हैं ऑप्शंस हैं छ पांच सात और चार क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स है तो अमित जी कह रहे हैं डी चंदन जी कह रहे हैं डी जितेंद्र जी का भी यही कहना है ठीक है प्रभाकर जी कह रहे हैं सेवन आ, पवन जी आपको आपके जो ऐप आप, ऐप में आप जाएंगे एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है वहां पर आपको ये वीडियोस जो है ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी तो आ, और ये जब ये अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा अगर आपने ऐप आप डाउनलोड कर लिया है तो आप उसकी नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर सकते हैं यू विल गेट अ नोटिफिकेशन तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो पांच फाइव कोऑपरेटिव बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया है जिसमें आ, जो बैंक है ये है कुछ आ, पहला है एच सी बी एल कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ में आदर्श महिला नगर नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद में शिमसा सहकारा बैंक Uh, यूरोकोन्डा कोऑपरेटिव बैंक शंकर राव मोहितले पाटिल तो ये सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं तो आप याद रख सकते हैं अगर आंसर आएगा पांच ये पांचों आपको कहीं पे लिखने के लिए नहीं आएंगे तो यहाँ पर नाम याद रख सकती है क्योंकि मार्च का क्वेश्चन है uh, यहाँ पर जो है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विच बैंक परमिटेड इट्स परमिटेड रियल टाइम भीम पेमेंट्स विद सिंगापोर कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ऐसे परमिट चालू करे हैं जिसमें रियल टाइम भीम पेमेंट आप सिंगापोर के साथ कर सकते हैं सिंगापोर के साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो ये सारे नेशनलाइज बैंक है एसबीआई है कैनरा बैंक है यूनियन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी निखिल जी अशोक जी कह रहे हैं सॉरी अशोक जी का कहना है बी बाकी लोग कह रहे हैं ए लोकेश कुमार जी कह रहे हैं एस बी आई ने ऐसा किया है और बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बताइएगा मनोज कुमार जी भी कह रहे हैं ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे एस बी आई ने अनाउंस किया है कॉपरेटिव कॉपरेशन विथ पे नाउ जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं वन डे आफ्टर अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज वॉज फॉर्म बिटवीन इंडिया एंड सिंगापोर यूटिलाइजिंग द यूपीआई प्लेटफॉर्म तो एसबीआई ने ये स्टेप उठाया है जिसमें इंडिया और सिंगापोर के बीच में एक लिंकेज किया गया है पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू तो वेरी वेल डन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आईपीपीवी का क्वेश्चन ही है ये हैज पार्टनर विद विच टेलीकॉम कंपनी टू ऑफर व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर इन स्मॉल टाउन एंड टू एंड थ्री सिटीजीपी है उसने कौन टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनर किया है ताकि वो जो है अपने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके स्मॉल टाउन में तो सी कह रहे हैं अमित जी भारतीय एयरटेल जितेंद्र जी, जी का कहना है जियो निखिल जी कह रहे हैं भारतीय एयरटेल ठीक है एन के यादव जी कह रहे हैं जियो मनोज कुमार जी का भी यही कहना है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो आ, सही जवाब है वो है सी आ, उन्होंने भारतीय एयरटेल के साथ टाइप किया है और ताकि वो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके ऐसे कस्टमर को जो छोटे शहरों में है टीयर टू टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में है और ये सर्विस जो है मल्टी लैंग्वेज भी जल्दी ही सपोर्ट करेगी ताकि जो रूरल का कस्टमर है जो गांव में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज उनकी चाहिए उनके प्रेफर्ड लैंग्वेज में मिल सके तो भारतीय एयरटेल के साथ आईपीपी ने ये पार्टनरशिप ये करी है ऐसा कौन सा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसने यूपीआई लाइट पेमेंट्स को लॉन्च किया है विच इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च यूपीआई लाइट पेमेंट तो अमित जी ने कह दिया है सी निखिल जी का कहना है सी ऑप्शन है गूगल पे एम आई पे पेमेंट पेटीएम बैंक या फोन पे तो अमित जी का अमित कुमार जी कह रहे हैं सी लोकेश कुमार जी कह रहे हैं ए मनोज जी अशोक यादव जी का कहना है सी ठीक है और कोई है जो कि बी या डी के साथ जाना चाहता है तो फटाफट चैट में बता दीजिए ऐसा कौन सा है फर्स्ट uh, प्लेटफॉर्म जिसने यूपीआई लाइट पेमेंट्स लॉन्च किया पवन जी और प्रभाकर जी का भी यही कहना है सी है, है। पे जो है बिल्कुल सही जवाब है है जो पहला ऐसा बैंक बनाया है जिसने ये सर्विस लॉन्च करी है और इसमें क्या इम्पावर कर रहा है कि आप इंस्टेंटली यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं चाहे छोटे वैल्यू का ही क्यों ना हो तो ये लाइव हो गया है यूपीआई लाइट के नाम से और इसको एनपीसीआई ने मल्टीपल स्मॉल वैल्यूज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर विच बैंक हैज रिसेंटली ज्वाइंट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर टैक्स कलेक्शन फ्रॉम रिटेल एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लेयर कौन सा बैंक है जिसने मार्च में ही ज्वाइन किया है सीबीडी टी ताकिट पेयर से तो आई डी एफ सी एक्सिस बैंक कर्नाटका बैंक या साउथ इंडियन बैंक ही हमारे कुछ ऑप्शन है निखिल जी कह रहे हैं आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ने किया है बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बता दीजिए चार्ट में अमित जी का भी कहना है ए एन के यादव जी भी कह रहे हैं ए अभिषेक जी का भी कहना है ए और तो मोस्टली हमारे पास ए ऑप्शन है बट यहाँ पर जो एस आई बी है जिसे साउथ इंडियन बैंक कहा जाता है उसने ज्वाइन किया है सीबीटी के साथ हाथ मिलाए हैं ताकि वो जो हमारे रिटेल और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है उनके साथ टैक्स कलेक्शन कर सकें तो ये जो है जो डायरेक्ट टैक्सेस रेमिट अलाउ करेगा टैक्स पेयर को टू रेमिट डायरेक्ट अंडर द काउंटर मोड एंड अलाव बैंक तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से जो है टैक्स पेयर को रेमिटेंस करने का मौका दिया जाएगा इस पैक्ट के थ्रू चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन सी कंपनी ने हेज रिसेंटली रिसीव द आरबीआई इंडिया अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर टली रिसीव्डी आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल अकाउंटेटर तो कौन सी ऐसी uh, चारों में से आपको लगता है ने ऐसा अप्रूवल जो है पाया है फोन पे है सी आर आई एफ कनेक्ट यूडली या एनई एस एल अट डेटा लिमिटेड ठीक है ये कह है रहे हैं अभिषेक जी अमित जी और अशोक जी आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है आप में से फटाफट बता दीजिए कुछ कैस कर सकते हैं हम लोग क्योंकि आर uh, लर्निंग तो गलत आंसर भी इज नॉट अ प्रॉब्लम बट आंसर देना जरूरी है क्योंकि याद रहेगा आपको कि आपने ये क्वेश्चन किया था वेदर राइट और रॉन्ग बट इट वुड बी रिमेम्बर मतलब आप ध्यान रखेंगे मनोज कुमार जी कह रहे हैं ए चलिए सिर्फ ज्यादा आंसर्स नहीं है तो आई जंप ऑन द आंसर डायरेक्टली तो यहाँ पर सी आई आर एफ कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है उसने परमिशन मिल गई है आरबीआई से अब वो एक एनबीएफसी की तरह काम कर सकते हैं एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर की तरह अपने ऑपरेशन को चला सकते हैं तो यहाँ पर सी आई आर एफ जो है इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो है नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विद एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस एज एडिशनल बैंक इंश्योरेंस पार्टनर इन द लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एस बी आई के साथ एग्रीमेंट किया है और एक एडिशनल बैंक इंश्योरेंस पार्टनर बन गया है इस कैटेगरी में मनोज जी अभिषेक जी निखिल जी कह रहे हैं ए शुड बी द राइट आंसर अमित कुमार जी का भी यही कहना है अमित सिंह जी का भी और अमित जी एक और है उनका भी यही कहना है मनोज जी कह रहे हैं ए सभी लोग मोस्टली ये कह रहे हैं ए शुड बी द राइट आंसर नहीं एक आंसर फोर्थ भी था इन ठीक है यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही जवाब है करोर व्यस ब केवी बी जो है एग्जीक्यूट किया एक एक ताकि वो एडिशनल बैंक इंश्योरेंस पार्टनर की तरह काम कर पाए लाइफ के साथ और ये जो है, आम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस बी आई जो का जो लाइफ इंश्योरेंस है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही एक इंश्योरेंस आम है वेरी वेल डन फुल मार्क्स आप सभी को ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है आप सभी लोगों मैं कहूंगी कि जवाब दीजिए नेम द बैंक दैट रिसेंटली सोल्ड स्टेक इन रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल दीजिएम दैंक दिसंकलसी टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर टू नाइन करोड़ ऐसा कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली अपना जो शेयर है uh, स, जो रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो जो है वो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच दिया है एक सौ इक्कीस करोड़ में तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक यूनियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक इंडियन बैंक ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एस बी आई को अपने स्टेक भेज दिए है रशियन जॉइंट वेंचर के प्रभाकर जी कह रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक अमित कुमार जी कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है अशोक जी का भी यही कहना है इनके यादव जी कह रहे हैं आप इंडियन बैंक हो सकता है मनोज जी का भी यही कहना है चलिए यहाँ पर मिक्स आंसर्स है तो देख लेते हैं यहाँ पर जो सेकेंड uh, ऑप्शन है कैनरा बैंक बेंगलुरु का बेस्ड बेंगलुरु बेस्ड कर्नाटका बैंक ने अपने रशियन जॉइंट वेंचर जो है कमर्शियली एस बी को बेच दिए है वन ट्वेंटी में तो यहाँ पर कैनरा बैंक जो था इज द करेक्ट आंसर सेकेंड टू बी ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर आई होप आप सभी को जो है आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा इंटरेस्टिंग लगा होगा और मार्च की करंट अफेयर्स बैंकिंग से रिलेटेड आपकी तैयारी हो गई है तो जितने भी बैंक रिलेटेड न्यूज थे आई ट्राइड टू कवर ऑल टुडे तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा अपने चैट सेक्शन में जाके आज इस कोड के साथ हम अपना आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है ना कि अपने जन्म से तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हम महान बनते जाएंगे सक्सेस पालेंगे तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए ऐसे ही पार्टिसिपेट uh, करते रहिए और uh, जल्दी ही uh, ये दिन भी आएगा कि हम लोग आपके सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर शेयर करेंगे और uh, इसी नोट के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी टेक्निकल इश्यूज के साथ भी थैंक यू फॉर बियरिंग विथ मी एंड पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन थैंक यू सो मच और uh, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए और आपको जो ने, नेक्स्ट सेशन की नई लिंक जो है वो uh, मिल जाएगी तो uh, प्लीज उससे जुड़िएगा और थैंक यू अगेन हैव अ ग्रेट डे थैंक यू सो मच